भिवंडी के स्टूडेंट्स को हमेशा से ही ट्रैवल की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है। अच्छे कॉलेजेस या क्लासेस में पढ़ने के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता है, जिससे काफ़ी टाइम भी लगता है और स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक थक भी जाते हैं, जिसका सीधा असर पढ़ाई पर पड़ता है। सलाहियतों के बावजूद इस नुकसान से उन्हें मुंबई के कॉलेजेस में एडमिशन भी नहीं मिल पाता। मैंने अपना नीट क्लियर किया था 2020 में, पर मुझे पहले इस बार रिपीट करना पड़ा क्योंकि 2019 के नीट में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। बिकॉज़ ये एक बड़ा रीज़न है कि मुझे यहाँ से भिवंडी से मुलुंड जाने ट्रैवलिंग में जो टाइम लगता है वो बहुत ज़्यादा लगता था, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता था। मुझे मेरे नीट में 564 का स्कोर आया। मैं भिवंडी में फ्रेशर्स में मेरा स्कोर सबसे ज़्यादा था। मेरा स्कोर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी मुझे धुले के गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ा, मुझे मुंबई नहीं मिला। अब हमारे प्रोफेसर्स ने हमारे लिए सहूलत की है और वो अपने क्लासेस हमारे पास भिवंडी में लेकर आए हैं, ताकि वो जो हमारा ट्रैवलिंग टाइम टूट रहा था वो हम बचा के स्टडी में यूटिलाइज कर सकें। मैं साइन कॉलेज, जो कि LTMMC नाम से जाना जाता है, मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, MBBS स्टूडेंट थर्ड ईयर का। संतोष सर, नयन सर, सागर सर, इन लोगों के अंडर में मैंने टीचिंग किया। दे आर वेरी डेडिकेटेड टू देयर सब्जेक्ट, दे आर वेरी फ्लुएंट इन द टॉपिक्स, दे आर वेरी डायनेमिक अबाउट टीचिंग। फॉर IIT JEE, नाउ आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम कुतुबुद्दीन फरीद सर। अभी क्योंकि फिजिकल नहीं जा सकते हैं तो आई एम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस। हमारा सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, सर की टीचिंग स्टाइल अच्छी थी। अगर हम डाउट नहीं भी पूछते थे तो सर हमको 2-3 बार ऐसे पूछ लेते थे कि अगर हमको डाउट नहीं भी रहता था तो भी हम एक बार कन्फर्म कर लेते थे उनसे। स्टूडेंट्स से इस प्रॉब्लम को देखते हुए भिवंडी के ही कुछ लोगों ने कोशिश की कि जिन क्लासेस में बच्चे जाया करते थे उन क्लासेस के टीचर्स को भिवंडी में लाया जाए, और उसमें ये कामयाब रहे। क्योंकि जो बच्चों को पहली बार पहुंच नहीं पाते मुंबई के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, कहीं दूर दराज जाना पड़ता है, बच्चों को घर वाले नहीं भेजते हैं तो वो रह जाते हैं और वो सेकेंड अटेम्प्ट में जाते हैं। इसलिए मैं इन क्लास वालों को, खासकर संतोष सर को, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने भिवंडी आने का बड़ा फैसला किया। अब स्टूडेंट्स जो स्टडी आउट ऑफ भिवंडी में करते थे वही स्टडी अब वो भिवंडी में करेंगे। इसमें कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें कई सालों का तजुर्बा है और अपने इस एक्सपीरियंस की वजह से वो स्टूडेंट्स को समझाने में काफ़ी एक्सपर्ट है, और कई ऐसी टेक्निक्स समझाई जाती है जिनकी मदद से स्टूडेंट टफ एग्जाम्स में भी आसानी से पास हो सके। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, लास्ट 22 साल से टीचिंग फील्ड में हूँ। सारे टाइप के एंट्रेंस एग्जाम हो, इंजीनियरिंग हो या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, मैं लास्ट भाई 20 सालों से सिखा रहा हूँ मुलुंड में। और सबसे बेस्ट रिजल्ट जो अवेलेबल है वो बेस्ट रिजल्ट में मैंने पार्टिसिपेट किया है। मैं और मेरी टीम, केमिस्ट्री टीचर्स की टीम, बहुत अच्छी तरीके से काम करी है मुलुंड में, और 2008 से लेकर अब तक बहुत सारे भिवंडी के स्टूडेंट्स मुलुंड तक आते थे पढ़ाई करने के लिए, और ऐसा लगता तो है कि हम लोगों ने उनको अच्छी तरह से सेटिस्फाई किया और उनके भी अच्छे रिजल्ट्स लाए। अभी भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोग एक खुशखबरी लाना चाहते हैं कि अभी उनको मुलुंड लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी भिवंडी में आ रहे हैं, एक बढ़िया टीम लेके आ रहे हैं और आपके लिए कन्वीनियंस लेके आ रहे हैं। हम यहाँ GST में एक्सपर्ट टीचर्स के नाम पर हम लोग बायोलॉजी के ईच एंड एवरी टॉपिक को हम सिखाने वाले हैं। मैं डॉक्टर सागर, जूलॉजिस्ट, एट द सेम टाइम जनरल बायोलॉजी के हर एक टॉपिक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और हमारे साथ है, नमस्कार, मैं प्रोफेसर नयन, मैं बॉटनी प्रोफेसर हूँ और पिछले 22 साल से कोचिंग कर रहा हूँ। मैं डिग्री कॉलेज प्रोफेसर रह चुका हूँ। 180 मार्क्स का बॉटनी, 180 मार्क्स के फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट है, और जो स्कोर आता है बायो में उसमें अगर 320 या 330 इतना स्कोर अगर स्टूडेंट से लाके दिया और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री ने कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले किया तो 600 प्लस स्कोर लेके स्टूडेंट्स MBBS में मुंबई में एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो हमारी भिवंडी में यही कोशिश रहेगी कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉलेज में जो गैप आ रहा है वो कवर करके, उनको पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके, उनको MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में उनको एलिजिबल करने का हमारा एम रहेगा। GST का एक डायरेक्टर हूँ और फिजिक्स डिपार्टमेंट हैंडल करता हूँ। फिजिक्स 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ और एक चीज़ मुझे समझी है कि बाकी सब्जेक्ट में और फिजिक्स में एक फ़र्क है। बाकी सब्जेक्ट आपको समझ में पहले आते हैं और फिर आपको अच्छे लगने लगते हैं, बट इन केस ऑफ फिजिक्स आपको पहले वो सब्जेक्ट अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है और फिर आपको समझ में आएगा।
तो हमारी पूरी कोशिश उसकी रहेगी कि आपको सब्जेक्ट पसंद आए और आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो हो PCM या फिर PCB वो एनहांस करने के लिए फिजिक्स का रिजल्ट बहुत ज़रूरी है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं मैथमेटिक्स पिछले 35 ईयर से सिखा रहा हूँ, इसमें मेरा इनिशियल स्टार्टिंग मेरी CA Maths से हुई थी। जब मैंने मेरा करियर शुरू किया था तो मैं CA के स्टूडेंट्स को पहला सिखाता था। 2004 के अंदर इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम आ गया मास्टर CT के अंदर, उसके बाद से लेकर टिल अभी तक हम लोग टेक्निकल कॉलेजेस के लिए या टेक्निकल एग्ज़ाम जो होते हैं इसमें JEE Main JEE Advanced उसके लिए हम लोग कोचिंग करा रहे हैं। महाराष्ट्र के बच्चों भी जो स्टेट बोर्ड के बच्चों हैं काफ़ी अच्छा कर लेते हैं और वो हिसाब से हम उनकी तैयारी करवाते हैं। नीट एग्जामिनेशन जो है जिसमें MCQs जिसको हम कहते हैं 180 MCQs 180 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है। बायोलॉजी में है 90 MCQs 90 MCQs को 90 मिनट मिलते हैं, मतलब ये 1.5 घंटे के अंदर टोटल 90 MCQ सॉल्व करना, मतलब 1 MCQ 1 मिनट में कैसे सॉल्व करते हैं, कितना फास्ट रीडिंग करते हैं, कैसे उसको मार्क करते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में जो है ना बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। यही सब टेक्निक्स बायोलॉजी के लिए, जूलॉजी के लिए, बॉटनी के लिए, दिस इज़ द बायो टीम इन GST जो हम बाकी सब बच्चों को सिखाने वाले हैं। ये जो संतोष सर हैं 2008 या 2009 से मैं उनके साथ इत्तेफाक रहा है, उनसे बच्चों के लिए मिलना जुलना रहा है, उनके नेचर और पढ़ाई के बारे में मैंने जो भी जानकारी हासिल की है, जो भी उनका ताउन रहा है भिवंडी वालों के लिए, ख़ास तौर से बाहर के लिए भी होगा बहुत ज़्यादा, इतना जनरस, अच्छे और बेस्ट टीचर, तो मेरा अंदाज़ा बेस्ट टीचर्स हैं वो। मेरी बच्ची जब 11th 12th में आई तो मेरे को उन्होंने गाइड किया कैसे जाना है, कौन सी क्लास बेहतर रहेगी, तो उस हिसाब से उन्होंने मुझे जो क्लास सजेस्ट किए वहाँ संतोष सर से हमारी मुलाकात हुई और संतोष सर के साथ मिलकर उन्होंने टीम बना के मुलुंड में क्लासेस खड़ी की थी प्रोबेबली 2008 में, जिसके वजह से एक वक्फा था। जब अगर आप देखो तो भिवंडी में MBBS किए हुए या पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और अचानक से अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे MBBS और MS कर रहे हैं। उस मुहिम के अंदर मेरे हिसाब से अजीज़ भाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूर रहे हैं, भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आए हैं GST क्लासेस की शक्ल में। जो मुलुंड के तजुर्बाकार टीचर्स हैं, जैसे कि केमिस्ट्री के लिए संतोष यादव सर, बायो के लिए डॉक्टर सागर सर और नयन सर, और फिजिक्स के लिए समीर राणे सर, और मैथ्स के लिए जो हैं कुतुबुद्दीन फरीद सर, जल्द से जल्द आके इसमें अपना एडमिशन ले ले और अपने घर वालों के जो उनके जो ख्वाब हैं उनको पाए तकमी तक पहुँचाएँ। कि मुलुंड के तजुर्बाकार टीचर्स जो 20-22 साल से पढ़ा रहे हैं, पिछले 2011 से हमारे बच्चे इन टीचरों के साथ कोचिंग ले रहे हैं और तकरीबन 150 बच्चे MBBS फ्री गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन ले चुके हैं। कुछ बच्चे अभी भी MBBS अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों ने PG कर लिया है जो कि पिछले 40 सालों में कभी मुमकिन नहीं हो पाया था। ये है कि यहाँ पर जो उनको ट्रैवलिंग का जो मसला आता है बच्चों का, वो उनका बच रहा है, टाइम बच रहा है, फीस भी वहाँ से यहाँ कम रखे हैं। जिसका एड्रेस है अपना वंजापट्टी नाका, आयशा मेडिकल के सामने, अबूजी आर्किटेक्ट, भिवंडी।